physics. In last lecture, we had discussed about measurement of mass. Today, I am going to start with very, very, very important topic for exams. Okay? It may be asked in your annual exam, NEET, JEE, whatever exam you will give in future. The question from this topic will come. Okay? So, topic. It is more important for numerical only. The topic is first of all, what is accuracy? And second one is precision. The concept of accuracy and concept of precision must be more clear. After that, the very much important topic, very much important topic is called as errors. It's called as errors. It is very important. Errors. It will be very important for us. So today I am going to complete all these three topics, which name is accuracy, precision, and errors. Okay. Now, first of all, I am starting with accuracy. Now, what do you mean by the accuracy? So, accuracy. So, meaning of accuracy is that every calculated quantity which is based on measured value. Measure
इनक्लाइन मेजी और ये इसमें किया था स्प्रिंग में, स्प्रिंग वेट मशीन में किया था, और ये दूसरा वाला किसने किया था 50 केजी वाला, वो डिजिटल मशीन में किया था, डिजिटल मशीन में किया था। ओके, सो एक्यूरेसी मींस आप जो मेजर कर रहे हो तो उसके नियर आपका मेजरमेंट का आंसर आना चाहिए। सपोज वो 50 केजी का है तो मेजर जो भी आप जिससे भी मेजर कर रहे हो तो वो आपको 50 केजी का यहाँ पे लिए थे तो 50 केजी से नजदीक आना चाहिए। कुछ नहीं होगा बहुत 1 केजी का डिफरेंस इज वेरी लार्ज डिफरेंस। ओके, वो इतना छोटा डिफरेंस नहीं होगा, 1 केजी इज वेरी लार्ज डिफरेंस। ओके, या सपोज 50 ग्राम है 100 ग्राम है तो वो उसके नजदीक हो सकता है बराबर, पर 1 केजी तो बहुत दूर हो गया बराबर। तो एक्यूरेसी मींस आप जिस भी चीज को मेजर कर रहे हो तो उसका आंसर उतने नजदीक आना चाहिए। सपोज आई एम टेकिंग द लैंड, so length is suppose 10 cm and I am measuring with some scale, okay, some scale ले रहा हूँ, उसकी जो length है वो 15 cm वाली scale है और वो एकदम सस्ते वाली है तो वो मुझे बताएगी suppose 9.5 cm, suppose 9.5 cm बताएगी तो वो accurate measure कर रही है नहीं, but मैं अच्छी वाली scale लूँगा तो मुझे वो 10 cm ही बताएगी तो उसकी accuracy, इसकी accuracy क्या होगी, इससे कम होगी, ज्यादा होगी नहीं और इसके लिए एकदम परफेक्ट होगी। जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है वो 10 सेंटीमीटर में ही मेजर कर रहा है बराबर। उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिसिजन। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रिसिजन, तो प्रिसिजन का मतलब क्या होता है, सपोज आई एम टेकिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आई एम टेकिंग एज अ लेंथ, I am taking as a length. Okay, suppose I am using a different instrument. So first of all, I am using scale. Then I will be using vernier scale, vernier calipers. And then I am using micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge. Okay, so scale used कर रहा हूँ मैं. So scale 50 centimeter की है. तो वो कम से कम कितना मेजर कर सकेगा, 0.1 सेंटीमीटर, कितना मेजर करेगा 0.1 सेंटीमीटर, ये कितना तो करेगा आपको आप एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे 0.01 सेंटीमीटर और ये 0.001 सेंटीमीटर बराबर। तो इसमें सबसे अच्छा मेजर प्रिसिजन किसमें है, माइक्रोमीटर स्क्रू में। प्रिसिजन मतलब क्या होता है, तो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जितने ज्यादा नंबर आ सके उतना अच्छा वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिसिजन। तो मेरे पास तो लैंड है, इसमें आपको बताएंगे 10 सेंटीमीटर, इससे कुछ नहीं बताएगा, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आप मेजर नहीं कर सकते हो, मतलब उसका जो आंसर था वो आप देखें 10.2 सेंटीमीटर। इसमें डेसिमल के बाद देखिए नंबर आएगा, दो नंबर नहीं आ सकते। आप किसी भी मेजरमेंट को मीटर स्केल से आप कोई भी मेजर करो तो 10.2, 10.5, 10.6, 11, 11.2 वैसे आप मेजर कर सकते हो, बट वन इन कैल पर मेरे पे मेजर नहीं थी 10.25 सेंटीमीटर, 10.25 सेंटीमीटर। फिर मेजरिंग द सेम लाइन बाय सपोज माइक्रोमीटर से उनके पास बड़ा है, इतना बड़ा आता नहीं है, मतलब अपने पास बड़ा है माइक्रोमीटर से तो 10.225 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद एक ही नंबर है, इधर दो नंबर है और इधर तीन नंबर है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ज्यादा नंबर आएंगे तो उसकी जो प्रिसिजन वैल्यू है वो उतनी बढ़ जाएगी, वो इतना अच्छा एक्यूरेट होगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट लिखते चलो, एनी इंस्ट्रूमेंट, ओके, लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं LCM, लीस्ट काउंट मेजरमेंट। ओके, तो लीस्ट काउंट मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट मेजरमेंट। सो सपोज स्केल है वो मेजर कम कर सकेगी
डिजिट मिलते हैं, इधर आपको डेसिमल के बाद एक ही मिलता है, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो ही मिलते हैं, और यहाँ पे डेसिमल के बाद तीन पॉइंट तीन डिजिट मिलते हैं। सो जितने डिजिट डेसिमल के बाद ज्यादा मिलेंगे उतना इंस्ट्रूमेंट वो अच्छा रहेगा, बराबर है? ओके, आप एक ही चीज को तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें तो देखिए इसमें 10.2 आया, इसमें 10.25 आया, इसमें 10.252 भी आया, तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू है, सबसे एक्यूरेट वैल्यू है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिसिजन। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिसिजन बोलते हैं, बराबर है? सो प्लीज कीप इन माइंड दिस टॉपिक लिस्ट फ्रॉम मेजरमेंट। लिस्ट फ्रॉम मेजरमेंट मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो उससे आप मेजर कर रहे हो वो मेजर वैल्यू है, एक्यूरेट जितनी अच्छी आएगी, मतलब सॉरी वो जितना कम से कम मेजर कर सकता है उसको हमको उसकी लीस्ट काउंट मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लीस्ट काउंट मेजरमेंट, कम से कम कितना मेजर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम। कई बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम में कि हमने 50 सेंटीमीटर की स्केल दिखा दी उसको और हम बोलते हैं इसका लीस्ट काउंट मेजरमेंट कितना है, तो वो बोलेगा 50 सेंटीमीटर, इज कंप्लीटली रॉन्ग। 50 सेंटीमीटर तो वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है, वो कम से कम कितना मेजर करेगा, 1 मिलीमीटर मेजर करेगा या 0.1 सेंटीमीटर मेजर करेगा, बराबर। तो प्लीज दिमाग में याद रखना स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकती है, वर्नियर कैलिपर है 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है वो 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। वो कैसे आएगी आई है ये वैल्यू ये आपको एक्सपर्ट में पता चलेगा, बराबर। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे माइक्रोमीटर स्क्रू और वर्नियर कैलिपर का तब एलसीएम की वैल्यू कैसे आएगी एट द टाइम यू नो। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, it is known as errors, very very much important topic, okay, errors. Now I'm switching to errors, it is nothing but aapko koi bhi physical quantity le le and aap usko measure karoge to aisa possible nahi hai ki aapko accurate value mile। Always be a positive.
एरर नेवर बी नेगेटिव, एरर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब हम जब कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए उसको हमको पॉजिटिव भी लेना है, नेगेटिव भी लेना है, जो भी वैल्यू हो आप उसको मोड में लें और किससे मिलें मोड में ही लेना है. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स एंड ओके, तो दैट इज एक एरर है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, एंड दूसरी एरर है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स. क्या बोलते हैं उसको? रैंडम एरर्स बोलते हैं, रैंडम. और सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर इट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, और आई थिंक द यूनिट डायरेक्शन इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, वो दोनों नहीं हो सकती है, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू वो है 10.50 सेंटीमीटर, आई एम मेजरिंग वन टाइम आई एम वेटिंग 10.45 और आई एम मेजरिंग सेकेंड टाइम आई एम वेटिंग 55 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा -0.05 और यहाँ पे आएगा +0.05. ओके, तो एरर है, आप मेजर करोगे तो मुझे 0.05 सेंटीमीटर कम बता रहा है, इसमें 0.05 सेंटीमीटर ज्यादा बता रहा है, मतलब क्या हुआ? तो इसमें जो एरर है वो नेगेटिव है, इसमें जो एरर है वो पॉजिटिव है, बट आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको नेगेटिव को भी पॉजिटिव में लेना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में रखना है, बराबर. तो एरर है ऑनली वन डायरेक्शन में होगी, मे बी पॉजिटिव इट मे बी अ नेगेटिव ऑनली. ओके, सो वो सिस्टमैटिक एरर है वो कैसे होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं. तो सिस्टमैटिक एरर है उसमें पहली जो बात है वो ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इट इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स तो क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स? सपोज मैंने अभी बात कर देता हूं, मैं फिर आपके पास वो लो क्वालिटी वाले स्केल है और आपके पास एक डोन्स की स्केल है, मतलब कोई अच्छी क्वालिटी की या स्टील रूल है अच्छी क्वालिटी की है जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जब आप मेजरमेंट करो तो उसके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गड़बड़ी होनी चाहिए नहीं. सपोज मैंने वही बात कर रहा हूं, यही बात कर रहा हूं 10.50 सेंटीमीटर वाली, सपोज ये 10.5 सेंटीमीटर है, बराबर, तो आप मेजर करोगे तो जो लोअर क्वालिटी वाली स्केल है तो आप उसे मेजर करोगे, सपोज ऐसा भी हो सकता है 9.5 ही बता रहा है, 11.5 ही बता है, ऐसा 1 सेंटीमीटर भी चेंज हो सकता है, बट आप अच्छी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करें या थर्मोमीटर यूज करें फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, वेट मशीन यूज करें आप मास मेजरमेंट करने के लिए, आप कोई भी मशीन आप यूज करें फॉर फाइंडिंग और मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, उसका कैलिब्रेशन परफेक्ट होना चाहिए, जितना कैलिब्रेशन उसका परफेक्ट होगा आपकी एरर उतनी कम आएगी, एरर तो आएगी बट एकदम कम है, एकदम छोटे से छोटे एरर आएंगे, बराबर है. तो जो इंस्ट्रूमेंट एरर है वो आप उसको ऐसे रिमूव कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट एरर को उसको आपको रिमूव करना चाहते हो तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए वो मेजर इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, बराबर है. देन यू रिड्यूस द इंस्ट्रूमेंटल एरर. सेकंड टेक्निक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बराबर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको मेजर कर रहे हो और उसकी टेक्निक आपको फाइंड आउट, उसको टेक्निक आप ऐसे करते हो, लेट अस सी आई एम शोइंग गिविंग सम एग्जांपल. सपोज ये बर्नर है, इसको मैं जस्ट हीट दे रहा हूं, इसको भी हीट दे रहा हूं, देन इट हैव सम लिक्विड, it has some liquid, then if you add a thermometer in this like this, suppose it is thermometer,
if you add thermometer like this, ऐसे पूरा का पूरा नीचे टच करवा लिया यार बड़ा आपका तो यहाँ पे जो आप टेम्परेचर मेजर करोगे ये का इस जो वेसल रखा है इसका मेजरमेंट करोगे टेम्परेचर का तो इसका और इस दोनों का डिफरेंट आया बट इसमें एक्यूरेट एक्यूरेट आया क्योंकि वो पूरा का पूरा नीचे टच किया हुआ है तो जो पूरे का पूरा इसका टेम्परेचर होगा लिक्विड का वही बताएगा ये पूरा का पानी बताएगा यहाँ पे जो डिफरेंट है तो उसके कारण यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कम दिखाई दे मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंट होगा तो आप कैसे टेक्निक यूज करते हो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है मेजरमेंट का सपोज आप वेट मशीन यूज कर रहे हो डिजिटल वेट मशीन यूज कर रहे हो तो डिजिटल वेट मशीन के सपोज ऊपर ऐसा है और वो जो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे नहीं रख रहे हो और यहाँ पे रख रहे हो बाहर थोड़ा बाहर निकाल दो तो वो जो वेट मशीन है वो वेट मशीन है वो आपको एक्यूरेट वैल्यू दिखाएगा नहीं परफेक्टली दिखाएगा वो पक्का है बराबर तो जो टेक्निक होती है वो टेक्निक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आप किसी चीज को कैसे मेजर कर सकते हो तो रिड्यूसिंग टेक्निकल एरर और टेक्निक एरर फॉर यू हैव टू यूज अ परफेक्ट टेक्निक फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी देन यू विल रिड्यूस अ टेक्निक एरर्स देन थर्ड एरर इट इज नॉट अ पर्सनल एरर पर्सनल हो सकता है कभी सपोज आप पर्सनल मतलब क्या होता है कि सपोज आपने ये हीट वाला जो सिंक है वो मेजर करने के लिए रख दिया हीट चालू हो गई और आप अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगे या कुछ और काम करने लगे तो जब आपको उसका रीडिंग लेना है तो वो आपने मिस कर दिया तो जो एरर होती है वो ह्यूमन के कारण प्रोड्यूस होती है तो दैट इज नॉन एज अ पर्सनल एरर कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है तो उसको आप बोलेंगे पर्सनल एरर ओके नाउ I'm talking about the random errors. Okay? Now, what is random error actually? So, random error means when you are taking some observations, you are taking some readings. At that time, suddenly, if you are taking an electrical reading, आप electrical को instrument use कर रहे हो, आप उसमें सब voltage measure कर रहे हो, current measure कर रहे हो, तो suddenly light चली गई, या suddenly जो light है वो maximum हो गई, जो जहाँ पे आप मतलब जहां पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो मेजरमेंट कर रहे हो वहां पर सडनली कुछ ना कुछ हो गया कुछ कोई ऐसी कुदरती आफत आ गई है उसके कारण उसमें कुछ ना कुछ चेंज जो रीडिंग लेना है वो नहीं आया और कुछ और आया जो रैंडम एरर है वो अपने हाथ में नहीं है जो कुछ भी हो कैसे भी हो सकती है लाइट चली जाती है लाइट बढ़ जाती है वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो जल जाता है या कुछ भी थर्मोमीटर आप यूज कर रहे हो तो सपोज ऐसे गिर जाता है या टूट जाता है कुछ भी हो सकता है तो उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर्स क्या बोलेंगे उसको रैंडम एरर्स बराबर तो रैंडम एरर वो आप उसको रिड्यूस करो कभी भी हो सकती है बराबर तो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट द एरर तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ एरर सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर सिस्टमैटिक एरर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव तो उसमें सिस्टमैटिक एरर में कौन सी को कैसे कैसे वो प्रोड्यूस हो सकती है बाय इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बाय टेक्निक और बाय पर्सनल ओके ये थियोरी है ये थियोरी आपको याद नहीं रखनी है सिर्फ ऐसे दिमाग में याद रखना है कि इसको ऐसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर में ये याद आया रैंडम एरर में ये याद आया बराबर है सो ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत याद नहीं रखना है सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एरर्स दिस इज एन एक्यूरेसी देन यू कैन मैसेज ऑन व्हाट्सएप फुल व्हाट्सएप नंबर